सर, क्योंकि अब बिग बॉस जो है स्टार्ट हो चुका है, आप तो बिग बॉस के पार्ट भी रहे हैं तकरीबन, जहाँ तक मेरा नॉलेज है 1.5 महीने तक आप हाँ, डेढ़ महीने रह मजे कर किए। आए, और फिर से सीजन 14, 14वां सीजन स्टार्ट हो चुका है। आप बताइए, आप कितना फॉलो कर रहे हैं, एंड जो कंटेस्टेंट आपने देखे होंगे, कैसे आप देख पाते हैं, कैसे देखते हैं बिग बॉस सीजन 14 को? हमने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं है, हम सिर्फ खेले हैं। ना हमने उसके पहले देखा था, ना उसके बाद देखा है। हम खेले और बड़ा मजा आया। हमने अपने एपिसोड भी नहीं देखे, लेकिन कोई ऑफ अपना रिकॉर्डिंग बाद में भी नहीं देखा सर कभी नहीं आपने? देखा, कभी नहीं। हमको इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है, हमने देखा नहीं है, लेकिन हमको दो लोग उसमें बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक तो कुमार शानू का बेटा, जाम हाँ, और एक राहुल वैद्या। ये दोनों बड़े अच्छे सिंगर्स हैं और ये बहुत इंटरटेन करेंगे लोगों को। राहुल वैद्या बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत ही हैंडसम है, बहुत अच्छा सिंगर है, परफॉर्मर बहुत अच्छा है। तो वो कुछ कमाल करेगा अंदर, मुझे लगता है वो जीत के भी आएगा, जी ऐसा बिल्कुल मुझे लगता है। तो पता नहीं मैं देख पाऊंगा कि नहीं कोई भी एपिसोड, लेकिन वो दोनों हैं उसमें, मुझे इसकी बड़ी खुशी है। जी। सलमान खान जी को कुछ कहना चाहेंगे आप? आप तो हाँ, उनसे मुलाकात कर कर आए। सलमान जी तो आते ही थे हमको मिलने, वहाँ हमेशा बड़ी इज्जत से मिले। सलमान खान को ये कहना चाहूँगा कि इस बार बिग बॉस को कैसे करेंगे, मुश्किल है। एक कमरे में सब सो नहीं सकते हैं, बात मास्क बताइए लगा आप। के प्यार नहीं कर सकते हैं। लड़ाई वड़ाई कैसे करेंगे, दूर से करनी पड़ेगी लड़ाई, क्योंकि 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, मोदी जी ने कहा है। तो पता नहीं बिग बॉस को किस तरह से बनाएंगे, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि ये लोग बड़े क्रिएटिव लोग हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। जी, तो सर अगेन अगर आपको कहा जाए कि सर आप आइए, थोड़ा सा इस दुनिया को फिर से एंजॉय मैं तो आज चला कीजिए। जाऊं? अरे बड़ा मजा आया था मुझे, मेरा तो 1.5 महीने का पेड हॉलीडे था, पैसे भी दिए और 1.5 महीने मुझे मजा कराया, तो फिर चला जाऊंगा। बहुत ही अच्छी बात सर आपने कही। एक और बात सर, जैसा कि आप हमेशा से कहते आए हैं, जसलीन जी, आप और उनके जो पिताजी, आप सभी मिलकर जो है उनके हाँ कन्यादान हाँ करना हाँ बिल्कुल चाहते बिल्कुल। हैं। हमने सुना कि कुछ एक बहुत ही अच्छी साइट से आप जुड़े हुए हैं, जो कि लोगों की शादियां करवाते हैं, तो थोड़ा यस सा जरा यस, बता दीजिए उसके बारे बेटा में। बेटा बेटी, बेटा बेटी जी, यस, उसमें हम लोगों के रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, हम उनके लिए रिश्ते ढूंढेंगे, उनकी शादी करवाएंगे, और बहुत सी शादियां ऐसी कराएंगे जिनके पास पैसे नहीं है शादी करने के, उनको हम अपनी तरफ से खर्च करके उन लोगों की शादियां करवाएंगे, मुफ्त में शादियां करवाएंगे। अभी तक प्रोसेस वो चालू हो चुका है शुरू हो वो? गया, हमारे पास रजिस्ट्रेशन आने शुरू हो गए। अच्छा, कुछ तो सर अभी आजकल आपने लॉकडाउन बताई का जो, पीरियड है ना, हाँ लॉकडाउन के टाइम पे सब स्लो है काम, तो जैसे ये थोड़ा और रिलैक्स होगा फिर हम इस पे काम शुरू कर देंगे। जी सर, जाते आते एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमने देखा रिकॉर्डिंग आपने बहुत ही सुंदर की, तो एक अपने व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए एक हाँ, जो भी फ्यू लाइंस आपके जो फेवरेट हों। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। क्या बात है, अपने फैंस को कुछ कह दीजिए जो आपके हमेशा बेसब्री से आपके आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट और आपके गानों का बेसब्री से इंतजार रहता है उन्हें। हमारे जो फैंस हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पिछले 50 साल से आप लोग मुझे झेल रहे हैं, थोड़ा और झेल लीजिए। हम आपके सामने नई नई चीज़ें लाते रहेंगे, पेश करते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। सर आई थिंक थोड़ा नहीं, और 50 साल, क्योंकि आप 100 साल काम करना चाहते हैं बिल्कुल ऐसा मैंने करेंगे। सुना है आपके बारे हाँ में। हाँ हम 50 साल और गाएंगे अभी, बिल्कुल। जी चलिए सर, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू सो मच, अच्छा, ऐसे कुछ और बुला है लीजिए साहब। जी?